दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई रिफ्रेशिंग और कमाल की इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हो चैनल डब्बा खोल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बोट की तरफ से आने वाली ये स्पेशल वॉच, ये है वॉच फ्लैश या फिर फ्लैश वॉच। इसके करेंगे अनबॉक्सिंग और देखेंगे इसके फर्स्ट इंप्रेशन की कैसी है वॉच और क्या क्या फीचर है इस वॉच के अंदर। जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और फिर मैं बताता हूँ आपको वॉच आपको कैसी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों जल्दी से कर लेते हैं इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग और देख लेते हैं कि बॉक्स के अंदर में जो कंटेंट है वो क्या क्या आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जो सील थी वो मैंने ब्रेक कर दी थी और यहाँ पर जो सबसे पहले आपको जो चीज़ें देखने को मिलेगी ये इसका डायल, इसको मैं साइड में निकाल लेता हूँ पहले। इसके बाद यहाँ पर आपको जो स्ट्रैप है वो मिल जाता है और यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है वो देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको जो चार्जिंग केबल है और उसके अंदर जो डॉक है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पर जो क्वालिटी है वो मुझे एवरेज क्वालिटी की देखने को मिल रही है, ज़्यादा कोई खास क्वालिटी यहाँ पर नहीं मिलेगी। बाकी यहाँ पर अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको वारंटी कार्ड वगैरह और यहाँ पर आपको यूज़र मैनुअल वगैरह इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। और इन चीज़ों को मैं साइड में रखता हूँ अभी। अब बात कर लेते हैं हम अपनी वॉच की। तो यहाँ पर ये जो डायल है वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा आपको। और अब बात कर लेते हैं इसकी। तो यहाँ पर इसके स्ट्रैप इसको निकाल लेते हैं और यहाँ पर कुछ इस तरीके का जो डायल है वो आपको देखने को मिलेगा। इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के लिए सिर्फ आपको ये वाला जो बटन है वो प्रेस करना है और ये ऑन हो चुकी है। और इसके बाद हम बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो डिस्प्ले यहाँ पर आपको 1.3 इंचीज का मिलता है और यहाँ पर कोई एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको आईपीएस पैनल देखने को मिलेगा। बाकी अगर बात करूँ इसकी क्वालिटी की तो यहाँ पर आपको ये पूरा ही मेटेलिक फिनिश के साथ मिलता है और काफ़ी हैवी है वेट के मामले में और काफ़ी अच्छी क्वालिटी जो इसकी डायल की है वो देखने को मिल रही है। लेकिन लॉन्ग पीरियड के अंदर देखना पड़ेगा कि ये कलर वगैरह तो नहीं छोड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी वॉचेज़ वगैरह आती हैं कुछ इस तरीके के वो कलर वगैरह छोड़ देती हैं ओवर द पीरियड के टाइम में। उसके बाद अगर बात करूँ स्ट्रैप की तो यहाँ पर स्ट्रैप कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको बोट की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिलेगी। बकल के ऊपर भी यहाँ पर आपको बोट की ब्रांडिंग देखने को मिलती है और इसकी क्वालिटी थोड़ी सी हल्की है। बाकी यहाँ पर स्ट्रैप जो मिलता है वो यहाँ पर आपको सिलिकन मटेरियल के साथ मिलता है, ब्लू और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर मिलता है। अब मैं इसको एक बार सेटअप कर लेता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं। तो दोस्तों मैंने इसको सेटअप कर लिया है और यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से देखोगे, ये कुछ इस तरीके से देखने को आपको मिल जाएगी। इन पिन की मदद से यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लिया है, इसके स्ट्रैप को, और कुछ इस तरीके से देखने को आपको मिल जाएगी। पीछे की तरफ अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको हार्ट सेंसर वगैरह और चार्जिंग के लिए जो पिन्स हैं वो देखने को मिल जाएगी। बोर्ड की ब्रांडिंग वगैरह भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पर बॉक्स के ऊपर काफ़ी सारी जो डिटेल्स हैं या फिर फंक्शंस हैं वो लिखे हुए हैं। जैसे कि अगर हम बात करूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1.3 इंचेस की जो डिस्प्ले है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। कॉल और नोटिफिकेशन का ऑप्शन है यहाँ पर। कैमरा म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो इस वॉच से। इसके साथ साथ हाइड्रेशन अलर्ट का ऑप्शन है, वेदर फोरकास्ट, मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड और ब्लड ऑक्सीजन मीटर या फिर हार्ट रेट, स्लीप मॉनिटरिंग या फिर गाइडेड ब्रीथिंग आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि यहाँ पर बॉक्स के अंदर कंपेटेबल विद iOS 9.0 एंड अबव, एंड्रॉयड 5.0 एंड अबव, यानी कि इसके नीचे की जो iOS होंगे उसके साथ ये रन या फिर कंपेटेबल नहीं रहेगी। फाइंड माय फोन का भी ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पर लिखा हुआ है कि IP68 की जो वाटर एंड डस्ट स्वेट रेजिस्टेंट आपको देखने को मिलता है, यानी कि IP68 यानी कि 1.5 मीटर तक आप पानी के साथ रह सकते हो आधा घंटा तक। तो यहाँ पर आप स्विमिंग वगैरह भी आराम से कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब कर लेते हैं वॉच के कुछ फंक्शंस की बात। तो यहाँ पर जैसे ही आप इस तरफ लेफ्ट की तरफ स्वाइप करते हो तो यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स, ब्रीथ, शटर यानी कि ये कैमरा को कंट्रोल करेगा, ब्लड ऑक्सीजन और स्टॉप वॉच, फाइंड माई फोन और स्क्रीन, स्लीप और वॉच फेसेस, रिसेट, पावर ऑफ और QR कोड का ऑप्शन मिलता है। अगर हम बात करें वॉच फेसेस की तो यहाँ पर जो वॉच फेसेस हैं मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं लगे, एक नॉर्मल से वॉच फेसेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और अगर हम बात करें ऐप की तो ऐप के अंदर भी कुछ ज़्यादा वॉच फेसेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत ऑर्डिनरी से जो वॉच फेसेस हैं वो देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें इस बटन की तो यहाँ पर आपको जो मेन्यू के लिए जनरली यूज़ होगा और बैक करने के लिए भी यही बटन यूज़ होगा। इसके बाद अगर हम राइट की तरफ स्वाइप करते हैं तो यहाँ पर आपको जो मैसेज वगैरह है उसकी नोटिफिकेशन आती है। इसके साथ अगर हम इसको दोबारा करके और ऊपर की तरफ करते हैं तो यहाँ पर आपके जो ट्रैकिंग है यानी कि कितने किलोमीटर चले आपने और उसकी जो कैलरी वगैरह वो बताएगा। यहाँ पर आपको हार्ट रेट दिखाएगा और ये कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है।
और नीचे की तरफ आपको जो स्लीप मोड है वो एक्टिवेट रहता है, और ये भी दिखाएगा कि कितनी देर आप सोए थे, कितनी जो नींद थी आपकी, जो लाइट थी, डीप थी, ये सारी चीज़ें दिखाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको वेदर फोरकास्ट का भी जो ऑप्शन है वो मिलता है, और ये आपके फ़ोन से कनेक्ट होता है। फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए आपको जो इसकी ऐप है वो है बोट की वेरिएबल, वो ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक और फंक्शन है जो कि यहाँ पर एक और ऑप्शन है जो कि है म्यूज़िक कंट्रोल का, और म्यूज़िक कंट्रोल के लिए यहाँ पर आपको प्ले पॉज और नेक्स्ट प्रीवियस का ऑप्शन है। यहाँ पर कोई भी वॉल्यूम अप डाउन का जो ऑप्शन है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके यूआई की, तो यूआई मुझे बहुत ऑर्डिनरी सा लगा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि बच्चों की खेलने की जो चीज़ होती है वो कुछ ऐसी बना दी है ये, और ज़्यादा कोई खास नहीं है। मतलब नॉर्मल सा आपको एक यूआई मिलता है, ऊपर की तरफ ये सारे ऑप्शन जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, कोई भी मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, थोड़ा सा बढ़िया क्वालिटी आपको देखने को मिले। बल्कि इससे जो कम रेट की जो बैंड वगैरह है उसके अंदर जो फंक्शन है या फिर यूआई है या फिर जो इनका स्टाइल है ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ज़्यादा बेटर लगा मुझे। बाकी और फंक्शंस की अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसके ब्राइटनेस की कि कितनी ब्राइटनेस है इसकी डिस्प्ले के अंदर, तो यहाँ पर हमें जाना पड़ेगा इसकी सेटिंग मोड में, सॉरी ऊपर की सॉरी नीचे की तरफ जाना पड़ेगा यहाँ पर। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ब्राइटनेस का जो ऑप्शन है वो खुल के आ जाता है हमारे सामने, और अगर मैं इसको टैप करता हूँ तो यहाँ पर जो ब्राइटनेस है ये फुल है, और मुझे लगता नहीं कि इसकी ब्राइटनेस पूरी रहेगी आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें जो ब्राइटनेस अगर मैं लो कर देता हूँ तो लो में कुछ भी नहीं दिखेगा, और ये एकदम रात के अंधेरे में दिखाई देगी। दिन के उजाले में अगर आपको देखनी तो फुल ब्राइटनेस भी मुझे लगता है कि धूप में आपको कम लगेगी इस वॉच की। बाकी यहाँ पर आपको 200 mAh की बैटरी मिलती है, और लगभग 2 घंटे लगते हैं चार्जिंग होने के लिए, और 7 दिन का बैटरी बैकअप बताया जा रहा है अगर आप उसको यूज़ करते हो मॉडरेट तरीके से। बाकी देखते हैं कि कितना यहाँ पर आपको बैटरी मिलेगी, उसका फुल रिव्यू मैं दूंगा जल्दी से जब इसका ढंग से मैं यूज़ कर लूँगा। इसके साथ साथ यहाँ पर और ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको नाइट मोड, और यहाँ पर आपको फ्लैश लाइट का जो ऑप्शन है वो भी मिल जाता है। आप बता नहीं कितनी ये फ्लैश लाइट काम करेगी या नहीं करेगी। बाकी मैं इसको अंधेरे में जाके यहाँ पर आपको चेक कराता हूँ कि कितनी ये अंधेरे में काम करेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको मैसेज का जो मोड है वो देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये कहानी थी इस वॉच की, और ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगी मुझे जिस प्राइस रेंज के अंदर ये आती है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करूँ तो लगभग 2500 रुपये पे किए हैं मैंने। बाकी अगर हम बात करें 2500 रुपये के अंदर, आपने देखा होगा कि वन प्लस की जो बैंड था वहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया जो ऑप्शन थे वो देखने को मिले थे। बाकी उसका जो यूआई वगैरह था या फिर उसकी जो एमोलेड डिस्प्ले थे मुझे काफ़ी पसंद आई थी। बाकी यहाँ पर आपको डिस्प्ले साइज़ ज़रूर बड़ा मिलता है और फंक्शन सारे वही मिलते हैं लगभग लगभग, और मुझे लगता है कि डिस्प्ले साइज़ बड़ा करने की वजह से शायद जो उसका यूआई है या फिर और चीज़ों के ऊपर इतना काम नहीं हुआ है। बाकी इसका जो फुल रिव्यू है कुछ दिन बाद मैं ज़रूर दूंगा, और कैसा है इसका जो बैटरी परफॉर्मेंस है या फिर क्या लैग वगैरह तो नहीं है किसी चीज़ में या फिर किसी चीज़ को प्रॉब्लम यहाँ पर फेसिंग करने तो नहीं पड़ेगी, इन सभी चीज़ों की बात करेंगे उस वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो अभी यहीं तक थी, और आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर।